ओके okay, तो इस क्वेश्चन में जो है हमें एक ट्यूबलाइट दे रखी है एक लैंप दे रखा है जिसकी लेंथ वन मीटर है ओके okay, और एक नीचे इधर मिरर रखा हुआ है जिसकी लेंथ जीरो पॉइंट सिक्स मीटर है और ऊपर ये एक ऊपर वॉल हो गई अब ये बताना है कि इस लैंप से लाइट जो मिरर पर टकरा के फिर ऊपर जो वॉल है उस पर कितने डिस्टेंस तक लाइट जाएगी ठीक है ओके तो आ, ये अरेंजमेंट है इस तरह से अब यहां पे आ, मैं एक काम करता हूं यहां से एक सिमेट्री वाली लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि इस लैंप को और मिरर को एक ठीक बाइसेक्ट कर रही होगी ठीक अब देखें हम सबसे पहले तो ये देखें कि सबसे दूर से दूर लाइट इधर कौन सी कौन सी लाइट जो है सबसे इस तरफ दूर जाएगी ओके आ। ओके okay. तो यहां से देखें तो इस ट्यूब के इस एंड से जो लाइट आ रही होगी ट्यूब के इस एंड से जो लाइट आ रही होगी और मिरर के दूसरे एंड पे की तरफ इस एंड पे जो टकरा रही है ठीक है वो लाइट ये नॉर्मल हो गई यहाँ पे ये लाइट जो है इधर जो आ रही है वो सबसे ये एंगल आई जितना ज्यादा होगा उतनी ही लाइट इस तरफ सबसे ज्यादा दूर तक जाएगी ठीक है तो ये यहां तक गई अब इससे ज्यादा और आगे डिस्टेंस में कोई रेल नहीं जाने वाली और कोई भी रेल हो इसके अलावा वो सारी रेस कहां होगी इसके कहीं ना कहीं पहले ही टकराएगी ठीक है तो कहने का मतलब इधर से जो है ये सबसे दूर वाला पॉइंट हो गया और वैसे सिमिलर सेम अब ये डिस्टेंस हमें निकाल हम निकाल लें इस तरफ की तो सेम ऐसा ही किस में हो रहा होगा लाइट इस एंड पे टकरा के इधर जारी होगी सबसे दूर

ये ट्राइंगल ठीक है इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात कर लेता हूं इसकी ठीक है इन दोनों ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर इसका एक्स हो गया बेस हो गई ये ये वाली डिस्टेंस ठीक है तो क्या हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय ये लेंथ ये लेंथ कितनी हो जाएगी 1.2 तो ये है और 2.4 ये है तो 3.6 हो गया इक्वल्स टू इस येलो कलर वाले के ट्राइंगल की हाइट तो ये वाली हो जाएगी ठीक है और बेस ये वाला हो जाएगा तो हाइट ये ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी आ, यहां से यहाँ तक ये लैंप का आधा हो गया जीरो पॉइंट फाइव लैंप वन मीटर का है और ये वाला जीरो पॉइंट थ्री है ही यहाँ तक तो ये कितना हो गया जीरो पॉइंट एट हो गया ठीक है जीरो पॉइंट एट और ये वाली डिस्टेंस जो है इधर का वो हो जाएगा टू पॉइंट फोर यहां से सॉल्व करके देखेंगे तो एक्स आ गया 1.2 अच्छा अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी लेंथ टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 0.3 ये हो गया और एक्स 0.3 पॉइंट थ्री प्लस एक्स जीरो पॉइंट ये हो गया इसका कर दो डबल दोनों तरफ तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी अपनी इस लेफ्ट वाले एंड से लेकर इस राइट मोस्ट एंड तक जो कि कितनी आ रही है आ, थ्री मीटर